मैं हूं आपके साथ नेहा। कहते हैं कि जानवर और इंसान का रिश्ता कई मायनों में बेहद ही अनमोल होता है। जानवर बेजुबान जरूर होता है, लेकिन प्यार के एहसास और भाषा को न सिर्फ बखूबी समझता है बल्कि अपनी प्रतिक्रिया भी देता है। इंसान और जानवर की दोस्ती के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको अमरोहा ज़िले की ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां बेजुबान और इंसान की दोस्ती और लगाव देखकर आपकी आंखें भीग जाएंगी। निस्वार्थ प्रेम कहिए, समर्पण की भावना कहिए, या फिर मतलबी दुनिया में रिश्तों की अहमियत कहिए। एक लाश के पास जमीन पर मातम मना रहे इस बंदर की कहानी पर आपके भी आंसू आ जाएंगे। दरअसल रोटी के महज कुछ टुकड़ों का कर्ज उतार रहा है ये बंदर। तो ये कहानी है कि अमरोहा के एक बुजुर्ग की बीमारी से मौत हो गई थी। परिजन अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे थे, महिलाएं विलाप कर रही थी और अर्थी उठाने की तैयारियों के बीच अचानक ये बंदर पहुंच जाता है। बुजुर्ग की लाश पर ढका कपड़ा खींचता है और फिर जमीन पर लेटकर आंसू बहाने लगता है। इशारों की जुबान से सही, लेकिन बेजुबान संग इंसान की दोस्ती और समझ की इस अनोखी मिसाल को देख वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो जाती है। लिपटकर रोने के बाद बेजुबान बंदर बुजुर्ग दोस्त की अंतिम यात्रा में भी शामिल होने चल पड़ता है और 40 किलोमीटर दूर अंत्येष्टि स्थल तक जाता है। 40 किलोमीटर की दूरी तय करते वक्त घर वालों के मन में क्या चल रहा होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बेजुबान के दर्द को इन तस्वीरों के जरिए पूरी तरह समझा जा सकता है। जिस गाड़ी में बुजुर्ग की लाश जा रही थी, बंदर 40 किलोमीटर तक उसी गाड़ी में लाश से चिपक कर लेटा हुआ आंसू बहाता रहा। घाट पर जब बुजुर्ग की अंत्येष्टि की तैयारियां चल रही थी, तब भी बंदर 2 घंटे तक वहां पर बैठा रहा। चिता की आग की तेज लपटें भी बंदर को वहां से ना हटा सकी। अंतिम क्रिया के बाद जब परिजन घर वापसी करने लगे, तो वापस बंदर उसी गाड़ी में घर पहुंचा और उसके बाद पास के बाग में चला गया। इलाके में बुजुर्ग और बंदर की दोस्ती के किस्सों की चर्चा है, मगर बेजुबान ने जिस तरह से अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया, वो समाज और इंसानियत के लिए एक मिसाल के तौर पर कायम हो गई है।